Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's enforcement directorate custody ends today. Kejriwal will be produced before the court today, and sources say the CBI could also seek custody of the Delhi Chief Minister. Significant security measures have been put in place outside the Rouse Avenue court. The area is heavily fortified with deployment of both police and paramilitary forces, numbering at least 1,000 personnel. Now, this heightened security follows intelligence regarding potential protests by ARP supporters. Senior Delhi police officials are expected to oversee security arrangements and ensure minimal force is used if required to detain any protesters. Ahead of his production in court, Kejriwal's wife Sunita has made some explosive statements. She has claimed that nobody knows about where the LiquorGate money allegedly went, and now her husband Arvind Kejriwal will expose the truth when he appears before the Delhi High Court today and will also provide evidence to back his claims. Arvind Kejriwal will be produced in the Rouse Avenue court today, and whether his ED custody will be extended or not will be decided at the Rouse Avenue court. But today, the silent protest by Aam Aadmi Party Karyakartas is happening at the metro stations with the pamphlets in their hands, and they are wearing these placards of shorts which has written "Main Bhi Kejriwal" and "Arvind Kejriwal" behind the bars, and they have these papers in their hands inviting the Delhi Walas to the mega protest that has been scheduled by India Alliance and Aam Aadmi Party at Ram Leela ground. And what's the message? Let's cut across to them and understand what is the idea of the silent protest. ये जो silent protest आप लोग कर रहे हैं, क्या idea है और क्यों ये मैं भी केजरीवाल सलाखों के पीछे तस्वीर लेकर आप लोग यहाँ मेट्रो स्टेशन पे? साइलेंट प्रोटेस्ट तो इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे बोलने की पर तो पाबंदी लगा दी गई है. बोलने का आज अपोजिशन को कोई हक नहीं है. अगर अपोजिशन कोई भी आवाज उठाती है तो उसको ईडी सीबीआई या पुलिस से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसको तंग किया जाता है. और ये सारा देश देख रहा है, सारा विश्व देख रहा है. और जो ये केजरीवाल को 21 तारीख की रात को इन्होंने जिस तरह से अरेस्ट करा है, इसकी सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी निंदा हो रही है. तो क्या ये अलग अलग मेट्रो स्टेशन पे आप लोग यही काम कर रहे हैं, सब आपके कार्यकर्ता है या फिर आप लोगों को बुलाया गया है इस काम? नहीं नहीं सर, हमारे कार्यकर्ता है जो अरविंद जी को प्यार करते हैं वो कार्यकर्ता है. मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला. हमारे यहाँ रेड मारी, मात 73,000 रुपए मिले. तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे. जो हाई कोर्ट ने आज के आदेश में टिप्पणी करी है वो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है. अभी तक सिर्फ आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के लोग ये बार बार सवाल उठा रहे थे कि ये अरेस्ट गैर कानूनी है, ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक है, ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. लेकिन आज हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या यह अरेस्ट मोटिवेटेड है. आज हाई कोर्ट ने भी माना है कि यह अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है. आज हाई कोर्ट ने भी माना है कि यह अरेस्ट गैर कानूनी हो सकता है, और इसी कारण से हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट जिन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और ईडी से पूछा है, जवाब मांगा है कि बताएं कि अरविंद केजरीवाल जी को जो कस्टडी में लिया गया है वो पेटेंटली इलीगल क्यों नहीं है और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित क्यों नहीं है. कल जो राउस एवेन्यू कोर्ट में हियरिंग है उसमें अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के खिलाफ एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें ही बहुत महत्वपूर्ण है. जो इस्तीफा मांगते थे लोगों का, अब वो ना इस्तीफा देने को तैयार है, ना जांच में शामिल होने को तैयार होते हैं नौ समन के बाद, और कहते हैं कि हम तिहाड़ से सरकार चलाएंगे. जिस प्रकार से अब अरविंद केजरीवाल फर्जी ऑर्डर के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं, जिस पर भी कई सारे सवाल निर्माण हुए हैं, तो ये कट्टर बेशर्मी का एक प्रदर्शन आज फिर से कर रहे हैं, क्योंकि उनको सवालों का जवाब नहीं देना है कि शराब घोटाला किस प्रकार से किया गया,
कैसे कमीशन बढ़ाया गया, कैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आने दिया गया, होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, इन सवालों का जवाब ना कोर्ट में देते बन रहा है ना जनता के बीच। कहीं पर भी वह प्रूव करते हैं कि ईडी की कस्टडी से कोई मैसेज उनके तक आया हो, क्योंकि जब वह ईडी से ईडी के कस्टडी में मिलने भी जाती हैं वो भी वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो वो बता दें कि कब ईडी की कस्टडी में मिलने गई और कब केजरीवाल साहब ने उनको संदेश दिया। असल में सारा निराधार है, सब झूठ है, क्योंकि जेल में है। अब किसी प्रकार से थोड़ी सिंपथी मिल जाए, आज वो दिल्ली के हेल्थ की इशू की चिंता कर रहे हैं, तब नहीं इनको हेल्थ की चिंता हुई जब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में 3 बच्चों की हत्या हो गई थी। Now, following remarks on Arvind Kejriwal, the United States has commented on frozen Congress bank accounts, urging India to uphold free and fair elections. India had previously criticized U.S. statements on Arvind Kejriwal, emphasizing the need for respect for sovereignty. The U.S. called for a fair and transparent trial for Arvind Kejriwal. In response, India had summoned the U.S.'s acting envoy. We continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object.